चलो आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 5 के। प्रश्नावली 5 के हो गया, लिखो। हेडिंग लिखो, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, ध्यान देना, इसमें एक फलन होगा उसके दूसरे फलन के सापेक्ष उसका अवकलन करना होगा, ठीक है। तो कल हमने जो बताया था उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चलो देखो, देखो इसमें, इसके लिए सर्वप्रथम, इसके लिए सर्वप्रथम इसके लिए सर्वप्रथम हो गया, जिस फलन का अवकलन करना होता है उसे y1 के बराबर मानते, जिस फलन का अवकलन करना होता है उसे y1 के बराबर मानते हैं। जिस फलन का अवकलन करना होता है उसे y1 के बराबर मानते हैं, हो गया, तथा उसका x के सापेक्ष अवकलन करके, उसका x के सापेक्ष अवकलन करके dy1 dx ज्ञात कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करके dy1 dx ज्ञात कर लेते हैं, कहने का मतलब बोलेगा ना इसका इसके सापेक्ष अवकलन करो, तो जिसका करना है उसको किसके बराबर मानना है, y1 के बराबर, और अवकलन करना जानते ही हो, x के सापेक्ष अवकलन करो, जो तुमको dy dx मिलता है वो dy1 dx मिलेगा, क्योंकि तुमने y की जगह क्या माना, y1 माना है, हो जाएगा ना, ये काम करना है। नीचे लिखो पुनः पुनः, जिस फलन के सापेक्ष अवकलन करना होता है, जिस फलन के सापेक्ष अवकलन करना होता है जिस फलन के सापेक्ष अवकलन करना होता है जिस फलन के सापेक्ष अवकलन करना होता है उसे उसे y2 के बराबर मानते हैं, उसे y2 के बराबर मानते हैं, उसे y2 के बराबर मानते हैं, और उसका x के सापेक्ष अवकलन करके, उसका x के सापेक्ष अवकलन करके dy2 dx ज्ञात कर लेते हैं। हो गया, अब नीचे लिखना देखो, अब पहले फलन
फलन को किसके बराबर माने थे? y1। दूसरे फलन y2 के सापेक्ष अवकलन, तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम? y2 के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो डी डी वाई टू लिखेंगे। अब की बार लिखेंगे, अरे जब x के सापेक्ष करते हैं तो डी डी x लिखते हैं, y2 के सापेक्ष पूरा तो डी डी वाई टू है, और पहला फलन किसका कर रहे हैं? y1 का। मतलब हमको dy1 dy2 निकालना पड़ेगा। इस dy1 dy2 का अर्थ क्या है? पहले फलन y1 का दूसरे फलन y2 के सापेक्ष अवकलन। सवाल में इस y1 की जगह कुछ दिया होगा, इस y2 की जगह कुछ दिया होगा, हमने बताया उसी के बराबर मानते हैं। अब इसका सूत्र क्या बनेगा? dy1 dx में dy2 dx का क्या कर दिया जाए? भाग जो अभी प्राचलिक फलन में हुआ था, दिखाई दे रहा है ना, dx से dx क्या हो जाएगा? कट जाएगा, dy1 बटे क्या आ जाएगा? dy2, तो बात एक ही हो जाएगा ना। तो ऐसा करना है, यही हमारा सूत्र है, इसी से हमको हल करना है। एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, जल्दी करो। घर से करके आयो, सवाल परेशानी नहीं होगी, हुई होगी लगभग सवालों में, कुछ ही एक सवाल दो सवाल है जो फंसेंगे। नीचे एग्जांपल लिखो, एग्जाम्पल x की घात 5 का x की घात 4 के सापेक्ष, x की घात 5 का x की घात 4 के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। ये तो सबसे सिंपल है। देखो, ये जो का है यही इन दोनों को अलग करेगा, ठीक है। का के इधर जो होगा वो पहला फलन है, और का के बाद में जो होगा वो दूसरा फलन, ठीक है। तो अभी हमसे सवाल ने कहा कि x की घात 4 का, नहीं फिर 5 है ना, x की घात 5 का x की घात 4 के सापेक्ष अवकलन करो, तो इसमें का लगा है, दिख रहा है। तो का के पहले तुम्हारा पहला फलन है, का के बाद तुम्हारा दूसरा फलन है। हर सवाल में लगभग ऐसा लगा होगा, का लगा होगा ना, तो ये ध्यान दिए रहना, यही सवाल को अलग करेगा, हो जाएगा। तो सवाल में यही खोलिए, तुम्हारा काम हो गया। जो का के पहले दिखा वो पहला फलन, जो का के बाद दिखा वो दूसरा फलन। सीधी सी बात, हर सवाल में देखो मिल रहा है, ऐसा कहीं नहीं है कि ना मिला, हर सवाल में दिख रहा है, बस यही खोजना है तुमको। तो अब लिखेंगे, माना माना y1 बराबर का के पहले का फलन हो गया जी, ध्यान देना, y1 बराबर का के पहले का फलन। तो ध्यान से देखो, का के पहले कौन सा फलन है? y x घात 5। तो इसका किसके सापेक्ष अवकलन करना है जी? x के सापेक्ष, x घात 5, घात आगे आएगी, घात में से एक घट जाएगा, मतलब 5 x घात 4। एक बार एग्जांपल में ये लिख लो, उसके बाद जब जैसे ही नोट पढ़ोगे अपने आप समझ जाओगे कैसे तुमको मानना है, ठीक है। अभी के लिए तो आसान लग रहा होगा, लेकिन बाद में पढ़ोगे तो फिर परेशानी होगी ना, पेपर टाइम के लिए तुमको समझने के लिए इसको लिखवा रहे हैं। दूसरा देखो, y2 बराबर क्या मानोगे? का के बाद का फलन, मतलब उसके बाद जो था। हर सवाल में ऐसा है, तो इसको तुम कर सकते हो, एक अपना हिसाब से तर्क बना सकते हो, लिखित तर्क तो कोई है नहीं। x की पावर 4, तो dy2 dx बराबर ddx
एक्स की पावर 4, घात आगे आएगी, घात में से घटेगा, 4x³ बचेगा, हो गया इतना ना। तो हमको क्या निकालना है, देखो इधर लिख लेते हैं ऊपर, dy1 dy2 बराबर dy1 dx फिर dy2 dx। dy1 dx है 5x^4 और ये है 4x^3, 5, इसको x³ लिख सकते हो, और ये तुम्हारा x³ है ही, x³ से x³ कट गया, 5x/4 कितना गया, 4 आ गया। ऐसे करना होगा सवाल तुम्हें, हो जाएगा ना। मतलब जो का के पहले दिया उसको मान लो y1, का के बाद दिया मान लो y2, बन गए, अवकलन करके दोनों का क्या कर दो, भाग दे दो, हो जाएगा, ये याद रखते रहना। अवकलन की सारी विधि जानते ही हो, इसलिए किसी सवाल में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लगभग सारे सवाल लग गए होंगे। कुछ बचा? चलो इसमें का सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 का उत्तर 2 आएगा। चलो देखो कैसे आएगा। सवाल नंबर 6, पहले को y1, बार बार नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट शुरू करो। पहला वाला जो है का के पहले y1 है, अर्थात साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र है सीधा सीधा त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से। किसका सूत्र है ये? 2 साइन इनवर्स x का सूत्र है। तो dy1 dx बराबर, दो बाहर, ddx आप किसका, साइन इनवर्स x का, मतलब 1/√(1 − x²) हो गया ना। चाहते तो इसमें x बराबर साइन थीटा भी मान सकते थे, लेकिन सवाल बड़ा हो जाता, सीधे सूत्र लिख दिए, काम हो गया। y2 बराबर साइन इनवर्स x, तो dy2 dx बराबर ddx ऑफ क्या, साइन इनवर्स x, हो गया ना। इसका अवकलन क्या होता है जी, 1/√(1 − x²). तो इसलिए dy1 dy2 निकालना है, मतलब dy1 dx में dy2 dx का भाग दे देना है, 2 × 1/√(1 − x²) / 1/√(1 − x²). देखो दोनों कट गए, केवल क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस बार के सवालों में लगभग आंसर देखो छोटे छोटे ही आएंगे, क्योंकि ऐसा ही अवकलन पूछेगा जिसमें ऊपर नीचे कुछ कटेगा, ठीक है। समान चीजें कट जाएंगी, कुछ छोटी चीजें बच जाएंगी, जैसे उसमें देखो केवल 5x/4 आया था, इसमें केवल तुम्हारा 2 आया था, ऐसे छोटा छोटा आंसर मिलेगा, कुछ मिल जाएगा, तो बड़ा मिल सकता है। करो ध्यान दो, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है जी, सवाल लिया है पाला वाला फलन मानेंगे y1 बराबर tan इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट में √(1 + x²) − 1/x). इसमें मानक मानोगे, कारणी में 1 + x² दिख रहा है ना, जब 1 + x² दिखता है तो क्या मानते हैं, x बराबर tan थीटा। तो मान लो माना x बराबर tan थीटा, तुरंत थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x बराबर थीटा, प्रतिस्थापित कर दो, अब y बराबर tan इनवर्स √(1 + tan²θ) हो गया, और माइनस क्या हो गया, 1 और नीचे भी क्या हो गया,
टेन थीटा हो गया। नीचे देखो इधर टेन इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट ये सेकी स्क्वायर थीटा हो गया सर्व समीकरण से। नीचे क्या हो गया जी टेन थीटा, कोई गलती? उसके बाद देखो टेन इनवर्स ये sec थीटा बचा और माइनस क्या बचा 1 अपॉन टेन थीटा। साइन cos में बदल लो दोनों को, टेन इनवर्स sec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। नीचे टेन थीटा है इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा, लसा लेंगे कॉस थीटा लसा हो जाएगा, इसका एक ही रहेगा इसमें कॉस थीटा का पूरा हो जाएगा। नीचे साइन थीटा बटे क्या बचा हुआ है कॉस थीटा, ये दोनों कट गए। ऊपर हो गया टेन इनवर्स एक के साथ कॉस माइनस में है ना, तो इसका साइन वाला सूत्र लिख दो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे भी साइन थीटा रहने दो। क्या सूत्र अलग से लिखेंगे, समझ गए? हो जाएगा cos थीटा का सूत्र लिखे हैं, cos थीटा के दो तीन चार चार सूत्र हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अगर एक के साथ cos प्लस में होता है तो cos वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, एक के साथ cos माइनस में होता है तो इसका प्रयोग करते हैं, साइन वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे साइन वाले सूत्र का प्रयोग हमने किया है, इसको ले जाओ ये आगे वाला इधर लेके जाओ, बोले क्यों देखो टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपनी पोती होती समेटो जो तुम लोग फैलाई हो बटे साइन थीटा, एक से एक कट जाएगा। टेन इनवर्स ये तो 2 है, इसको दो बार ही साइन थीटा बाय 2 लिख सकते हो और नीचे इसको क्या लिख सकते हो साइन थीटा का सूत्र जी, ये भी देखो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? ये तो सूत्र पढ़ाया गया ना, तो अब देखो कट गया, कौन कौन कटा साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 2 से 2 साइन बटे कॉस क्या आ गया टेन आ गया। नोट करो बस, हो गया सवाल, आगे बताते हैं हम जल्दी करो। चलो भी ध्यान दो, यहां तक पहुंच चुके थे हम लोग, आ गया टेन इनवर्स और अंदर साइन बटे कॉस क्या हो गया टेन थीटा बाय 2, टेन इनवर्स से टेन कट गया केवल क्या आया थीटा बाय 2, थीटा का मान रख दो टेन इनवर्स यक, तो डी बाय 1 डी एक्स बराबर 1/2 बाहर डी डी एफ साफ टेन इनवर्स यक, इसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ना, यही हमारा है डी बाई 1 डी एक्स। दूसरा किसके सापेक्ष इसका करना है टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष, इसका उत्तर 1/2 आएगा। देखो y2 बराबर दिया है टेन इनवर्स एक्स हो गया ना, तो डी बाई 2 डी एक्स मतलब इसका भी एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाए, डी डी एफ साफ कितना जी टेन इनवर्स एफ, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई 1 डी वाई 2 बराबर डी वाई 1 डी एफ अपॉन डी वाई 2 डी एक्स, भाग दे देंगे 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, उत्तर केवल क्या है 1/2। नोट कर लो, बाकी चीजें करूंगी अब, कल उत्तर अवकलन बता देंगे, अवकलन समाप्त हो गया।